फिजिक्स का चैप्टर नंबर है फर्स्ट, जिसका नाम है विज्ञान भौतिकी तथा मापन। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य को लंबा, तो ये तरंग दैर्ध्य को सूचित करने के लिए चिन्ह लंबा। और दूसरा है केल्विन, एक केल्विन का मान। तीसरा मनुष्य के अनुभव अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं। उसके बाद है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बराबर 5400 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। तो 5400 गुने 10^-6 होता है, ठीक है, 5400 गुना यानी 5400 गुने 10^-6। राइट आंसर इसका क्या बनाएगा, 5400 गुने 10^-6। दूसरा एक केल्विन का मान सेल्सियस में बताना है, तो केल्विन का मान अगर सेल्सियस में बताना रहता है तो के होता है डिग्री सी, ठीक है, डिग्री सी प्लस 273 या 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तो वो तापमान केल्विन में हो जाता है। और अगर सेल्सियस में बताना है तो केल्विन ताप से 273 डिग्री को घटा देते हैं तो ये हो जाता है सेल्सियस तापमान। तो इसमें क्या हो जाएगा, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तीसरा है मनुष्य के अनुभवों अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसे विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एसआई मात्रक पद्धति में मूल राशियां कितनी है, तो मूल राशियां 7 है तथा संपूरक राशियां कितनी है, 2 है। संपूरक राशियां 2 है, समतल कोण और ठोस कोण, ठीक है। तो समतल कोण को एसआई से सूचित किया जाता है, ठोस कोण को एस्टेरेडियन से सूचित, ये रैड और एसआई, तो आर एडी होता है और एक होता है एसआई, और इसमें होता है 7। तो मूल राशियां कितनी होती है, 7। तो इसमें होता है लंबाई, समय, तापमान, द्रव्यमान, उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और एक आता है पदार्थ के परिमाण, ठीक है। तो इसमें 7 होते हैं, तो मूल राशियों की कितनी संख्या होती है, 7, और संपूरक राशियां होती है 2। किसी भौतिक राशि का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, x बराबर एन यू के रूप में व्यक्त करते हैं अगर, तो एन भौतिक राशि का क्या होगा, तो आंकिक मान होगा यानी कि नंबर होगा, और यू क्या होगा, मात्रक होगा, यूनिट होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एन यू, तो यहाँ यू बराबर यूनिट और एन बराबर नंबर, तो नंबर को आंकिक मान और यू से मात्रक यूनिट। अगला क्वेश्चन है एक केजी बराबर कितना ग्राम होता है, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। एक केजी का मान होता है 1000 ग्राम। एक मीटर क्यूब बराबर होता है 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है 5 केजी प्रति मीटर क्यूब, इसका मतलब होता है केजी मीटर माइनस 3 है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे बटा मीटर क्यूब, और इसको जब ऊपर ले जाते हैं ना तो के जी मीटर माइनस 3 लिख देते हैं। तो 5 केजी प्रति मीटर क्यूब का मान कितना होता है, तो ये भरने वाला था, ठीक है। तो 5×10^-3 जी सी एम माइनस, यानी कि ये भी उसी तरह होगा, जी प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 3 होता है। अगला है घनत्व, एक डॉटेड राशि है तो घनत्व कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। घनत्व कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। स्वतंत्र भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, तो स्वतंत्र भौतिक राशि को मूल राशि कहा जाता है। आधारी राशियों से मिलकर बनने वाली राशियों को कौन सी राशि कहा जाता है, तो आधारी राशियों से मिलकर बनने वाले राशियों को व्युत्क्रम राशि, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। ये क्वेश्चन था पहला, फिल इन द ब्लैंक। अब नेक्स्ट होगा कि सही विकल्प को चुने, यानी कि चूज करने वाला होगा अगला टॉपिक। चूज करने वाला में मात्र 5 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है चूज करने वाला में कि सही विकल्प को चुने या चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो फिल इन द ब्लैंक में बताएं कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, कौन कौन होती है वो बता दिए। एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो नैनोमीटर, एक नैनोमीटर का मान होता है 10^-9 मीटर।
ठीक है। ये वाला जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में बता देंगे कि किसका मान कितना होता है, पेंटा एक्सा नाइनो किलो मीटर ये सब जो होगा टोटल इसका ही एक वीडियो आगे बता देंगे, लेकिन इसमें दिया होता है इसलिए ये पूरी यहाँ बता दिए। तो एक नाइनो का मान कितना मीटर होता है, तो 10^-9 मीटर होता है। क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक होता है मीटर। क्षेत्रफल का एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो घनत्व या आयतन, तो आयतन का होता है मीटर क्यूब और घनत्व का भी होता है मीटर क्यूब। तो क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब और घनत्व का ऐसे मात्रक होता है क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर और इसका होता है घनत्व का ऐसे मात्रक मीटर क्यूब। किसी ट्रेन का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मान ऐसी पद्धति में क्या होगा, इसका मान जो होगा ऐसी पद्धति में 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया हुआ है, यदि अगले वीडियो में न्यूमेरिकल वैल्यू का एक वीडियो बनाकर बता देंगे।